नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। पूरे देश में 370 जैसे ही हटा है वैसे ही जश्न का माहौल है। हमारे पीछे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से झंडा बैनर लिए लोग यहां पहुंचने लगे हैं और भारत माता की जयकारों के साथ ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आखिर कारगिल चौक पर ये जश्न का माहौल है। इस जश्न के बाद जो 370 है, ये बताएं कि ये जश्न किस बात का? आज हिंदुस्तान जिस देश में मैं रहता हूं वह पूर्ण रूप से आज आजाद हुआ। संसद भवन के पवित्र मंदिर से जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला लेने का काम देश के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट नेतृत्व के द्वारा जो लिया है वह विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक है। 70 साल देश का आजाद हुए हो गया, लेकिन विपक्ष पार्टियों ने ऐसा किया था कभी? कभी नहीं किया था। आज इसलिए होली, दिवाली, दशहरा, ईद, सभी दल, सभी वर्ग के लोग हम लोग मना रहे हैं आज। और विरोधियों को मैं यह कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त नहीं बिगड़ा है, अभी भी वो सपोर्ट करे, अन्यथा वो देश छोड़ के चले जाए पाकिस्तान। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम भारत माता की नारा लगाना ही होगा। क्या लगता है आपको कि जेडीयू जैसी जो बड़ी सहयोगी पार्टी है वो आखिर क्यों विरोध करना चाहिए? देखिए, जेडीयू माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यह अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, इसमें मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, आग्रह जरूर करूंगा कि श्री श्रीमान, यह हमारा वही देश है जिस देश के एक आप मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हमें नीतीश कुमार जी से भी आग्रह है और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी भी इसको मान जाएंगे, पूर्ण रूप से मुझे भरोसा है। और हम लोग एनडीए में कहीं कोई गीला शिकवा नहीं है, सब चीज सही है। आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि आखिर आज ये होली क्यों? इसलिए कि एक हिंदुस्तान में एक देश दो कानून चल रहा था। आज ये पहला दिन है कि एक देश एक कानून लाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने, और वो संसद की पवित्र भूमि से ये सिर्फ एक ऐतिहासिक फैसला ही नहीं, इस कलंक को भी धोने का काम किए हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं। और जो भी विरोधी हैं, कुछ दिन हल्ला करेंगे, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है, विश्व को दिखा दिया है, तो हिंदुस्तान के कुछ छोटे बड़े नेता इस ढंग का कुछ करते रहेंगे, उनसे उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने 3 तलाक पर भी बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने बिल पास किया और इस पर अपना मुहर लगा, इस पर भी उनका मुहर लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप भी समर्थन करते हैं? करते हैं, नैतिक समर्थन करते हैं। क्या लगता है कि आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है? ऐतिहासिक है चूँकि कि एक देश एक विधान जो है सो आज बना है, इसलिए जो है सो ऐतिहासिक है। और जम्मू कश्मीर जो इतने दिनों तक कुछ छद्म मतलब धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के द्वारा जो है सो बटा हुआ था, वह आज जो है सो एक हो गया है। और उसकी खुशी हम लोगों को है कि छद्म धर्मनिरपेक्ष जो कांग्रेस जैसी पार्टियाँ हैं वह जो है सो बाटी हुई थी, एक विधान जो है सो नहीं बना हुआ था, एक संविधान जो है सो नहीं था, और आज जो है सो एक झंडे के नीचे आ गए हैं। तो इसलिए गुलाम नबी आजाद ने ऐसा क्यों कहा कि आज जो है भारत से सर अलग हो गया? वो अपना रोटी जो है सब लोग सेकना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो है कि रोटी सेकने का और राजनीति की बात नहीं है, एक जो है कि हिंदुस्तान का हित की बात है। इसमें जो भी पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग के एक होकर के इसमें साथ देना चाहिए। ये राजनीतिक तो खैर इसमें घुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन मोदी ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बताइए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम उस समय आज़ादी को तो अनुभव किए, वहाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान तो लागू हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से हमारा देश गणतंत्र होकर के एक नहीं हुआ। लेकिन आज का ये जो स्वर्णिम दिन है हम शायद इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, गोल्डन कहेंगे कि यह रिटर्न है मोदी जी के द्वारा। और हम कहेंगे विरोधियों को इस समय तो कोई शब्द नहीं निकालना चाहिए क्योंकि भारत एक हो रहा है और इस एकता में मदद करें। चलिए, आप क्या कहेंगे?
हम यही कहेंगे कि विरोधियों को अपने दिमाग पे जोर डालना चाहिए और उसको सोचना चाहिए भारत हित में। जो फैसला हो रहा है वो भारत के हित में हो रहा है और आने वाले भविष्य में, भविष्य के लिए हो रहा है। तो विरोधियों को अब अपना जो मानसिकता है उसे चेंज कर देना चाहिए, यही हम युवाओं का भी उससे अपील है। अरे बहुत खुशी का दिन है, सभी पार्टियों के एक साथ मिलकर साथ देना चाहिए। यहाँ पर राजनीति की रोटी न सेके, क्योंकि देश के हित में है और देश की भलाई के लिए है। अर्थात सभी से अनुरोध है कि आप समर्थन करें। तो देखा आपने कि किस तरीके से कारगिल चौक पे ये जश्न का नज़ारा है। वजह बहुत साफ है कि जिस तरीके से राज्यसभा में अमित शाह ने 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग करते हुए लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, पूरे देश में इस बात को लेकर जश्न का माहौल है। सहयोगी राजेश कुमार के साथ कुमार गौतम, AV News पटना।